हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन एंड दैट इज बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू पेस्ट सच एज लेपिडॉप्टेरॉन डिप्टेरन्स एंड कोलियोप्टेरन्स। इज बीटी कॉटन आल्सो रेजिस्टेंट टू अदर पेस्ट एज वेल। सो हमें बताना है यहाँ पे कि जो बीटी कॉटन है वो पेस्ट रेजिस्टेंट है। बेसिकली स्पेसिफिकली हम यहाँ पर कहें लेपिडॉप्टेरॉन्स डिप्टेरन्स एंड कोलियोप्टेरन्स ये इंसेक्ट से वो क्या है एक तरीके से रेजिस्टेंट है। बट इस बीटी कॉटन आल्सो रेजिस्टेंट टू अदर पेस्ट एज वेल, क्या वो अदर पेस्ट वगैरह से भी रेजिस्टेंट है? सो फॉर दैट व्हाट वी कैन सिंपली राइट इज दैट वी नो दैट बीटी कॉटन जो है वो रेजिस्टेंट है, इज रेजिस्टेंट टू सर्टेन टैक्सा ऑफ पेस्ट्स। और वो टैक्सा हमको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है लाइक लेपिडॉप्टेरॉन डिप्टेरन्स एंड कोलियोप्टेरन्स। अब हमें यहाँ पर हम इसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं दैट इट इज क्वाइट लाइकली, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, इट इज क्वाइट लाइकली दैट इन फ्यूचर कोई और इंसेक्ट आ जाए, कोई और पेस्ट आ जाए जो कि उस क्रॉप को डैमेज करने लगे। सम अदर pests may infest, जैसा मैंने बताया कि वो स्टार्ट करे उसको डैमेज करना, may infest these bt cotton plants. So eventually ऐसे में क्या होगा, it is similar to immunization. तो जो ये हमारे पास ये ब्रीड है, क्या कह सकते हैं, या फिर ये जो क्रॉप वेराइटी है इसके लिए हम लिख सकते हैं दैट इज इट इज सिमिलर टू इम्यूनाइजेशन, जिसका मतलब बेसिकली ये है लाइक जैसे हमने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन दी तो वो क्या कर रही है, विच डज नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट अदर पैथोजेंस लाइक दैट कॉजेस कॉलरा टाइफाइड एक्सेट्रा। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज सिमिलर टू इम्यूनाइजेशन। तो इसका मतलब ये है दैट इट डज नॉट प्रोवाइड resistant to other pests as well. Resistant to other pests as well. और रीजन मैंने बताया, जब हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो भाई हमारे लिए एक ही इम्यूनाइजेशन हो जिससे हमें हर डिजीज से क्या मिल जाए, बेसिकली इम्यूनिटी मिल जाए, बट ऐसा नहीं, हमें हर डिजीज का स्पेसिफिक वैक्सीनेशन लगता है। सो सेम चीज यहाँ पे बीटी कॉटन के साथ कि हमने जो जीन एडिटिंग की है वो इस बेसिस पर की है कि भाई इन इंसेक्ट से हमको क्या इस क्रॉप को डैमेज ना हो, इस क्रॉप ये रेजिस्टेंट हो जाए उससे। सो अब क्या ये हर चीज पर एप्लीकेबल होगा? जब हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हम ये नहीं समझते हैं कि इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट होगा, तब तक हम नहीं उसको क्रिएट कर सकते। एंड दैट इज व्हाई वी सिंपली से दैट इट डज नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू अदर पेस्ट एज वेल। दैट इज द मेजर थिंग, दैट इज द आंसर that you can remember. I hope this will help you. Thank you.